हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ऑफ़ प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिस्कस करेंगे ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्ट ऑफ यू आर एमिंग टू राइट प्रिलिम्स नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो के तौर पर काम करेगा आप इस वीडियो के एंड तक अपनी स्ट्रैटेजी को और रिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर प्रिलिम्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर प्रिलिम्स ठीक है तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 20 आए हैं कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करते हैं डेफिनेटली लेकिन हम उनको इन्वायरमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं देन ऑल्सो अगर आप उनको ज्योग्राफी में भी डाल दें तो भी काफ़ी क्वेश्चन एन्वायरमेंट से आते हैं और हर साल आते हैं शायद फॉरेस्ट का और सिविल सर्विसेज का जो प्रब्लम्स है वो सेम है तो यही जो पैटर्न है वो रहेगा तो पॉइंट बीइंग कि आप इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते इफ़ यू आर एमिंग टू क्लियर प्रबलम्स ठीक है सो एन्वायरमेंट अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो एनवायरमेंट को प्लीज़ जितना इम्पोर्टेंस चाहिए उतना दे। अब दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट कैसे वो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी। बट एट द सेम टाइम जो पी वाई क्यूज़ हैं ना आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगले बार क्या पता पी वाई क्यूज ना आए देखो अगर नहीं भी आते ना तो भी आपको वो सिखाते हैं कि कैसे आपको लॉजिकली आंसर पे आना है कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है सो फॉर दैट पी वाई क्यूज़ आर स्टिल इम्पॉर्टेंट स्टिल रेलिवेंट अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन ना आए बट हाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपने नहीं किया होता तो वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली अगर आप बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आ जाते हैं कट ऑफ के तो जब तक रिजल्ट नहीं आता प्रिपेयर ही नहीं कर पाते के लिए तो वो बहुत ज़्यादा डिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट हमने मैराथन सेशन किए थे स्टिल ऑन यूट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट इफ यू हे डन विदिक पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट तो उनको देखना शुरू कर दीजिए देन स्टार्टिक्ड करेंट अफेयर बहुत आर इंपॉर्टेंट स्टार्टिकॉन्सेपचुअल क्लैरिटी द वॉट वाई एंड हाउ ऑफ थिंग्स ज़रूरी नहीं है कि आपको डेप्थ में जाना है आपको थीसिस लिखना है आपको पीएचडी करनी है एक टॉपिक पे, बिल्कुल भी नहीं आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टॉपिक की और बहुत लोगों को वो नहीं होती हैं ठीक है दे दे टेंड टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जबकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उनमें क्लैरिटी लेकर आप ज़्यादा टॉपिक्स कवर कीजिए या ना कीजिए लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिए दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स देखिए करंट अफेयर्स में बात करूँ तो जनवरी ट्वेंटी से क्वेश्चन देखे गए जैसे गूची मशरूम है 2021 जनवरी में उसका जीआई टैग टैक्स सी किया गया था बाय जे एंड के गवर्नमेंट और उसके बाद वो कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रहा है ठीक है सो अगर आप 2023 एम कर रहे हैं तो 2022 जनवरी से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन थर्ड इज़ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखिए एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जितना मर्जी कॉन्टेंट पढ़ लीजिए जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता जब तक आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो उसका क्या यूज़ है ठीक है अभी जो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है ना ये आप सीखते हैं मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा प्रॉब्लम्स में पॉसिबल ही नहीं है ठीक है अगर आ जाता है तो आई वुड से आपका लक बहुत अच्छा है बट ऐसा नहीं होगा मॉक टेस्ट का सिर्फ इतना पर्पज़ है कि वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता है जो कि पी वाई की PYQs भी करते हैं सो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटर लिंकेजेस बनाना एग्जाम में वो आप तभी बना पाते हो जब आपने उन इंटर लिंकेजेस बनाने की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में की है ठीक है सो हर एक चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उसको उतना इंपॉर्टेंस दें राइट right? अब अगर मैं पी वाई क्यूज की बात करूँ पहला अगर हम क्वेश्चन देखें गोल्डन मासीर देखो अगर तो आपको पता है कि मासीर फिश है तो तो बात ही खत्म हो गई है ना लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने पी वाई क्यू का हमारा जो मैराथन ही देखा होगा उसमें हमने ब्लू फिंट मासीर कवर किया था कि ये फ़िश है और ये कावेरी रिवर में मिलती है ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इनफैक्ट बर्ड्स को लेके ना यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि कुछ बर्ड्स uh, कुछ uh, नाम दिए गए थे और उन्होंने पूछा था ये ये बर्ड्स हैं या ये कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं तो उसका आंसर बर्ड्स था, था। ठीक है सो यू नो देन ऑल्सो यू कुड हैव सोल्व दिस क्वेश्चन बट अगेन आई वुड से महासीर वॉज अवे बहुत सारे लोगों को महासीर वैसे ही पता होता है फिश है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी अगर आपने पी वाई क्यू किया हो तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सी जी डब्ल्यू ए ये भी पी वाई क्यू था दो हज़ार बीस में ये पूछा गया था बेसिकली एक स्टेटमेंट थी कि सी जी डब्ल्यू ए वॉज फॉर्मड अंडर द ई पी एक्ट ठीक है तो अगेन पी वाई क्यूज का इंपॉर्टेंस री इंस्टेट होता है देन ये जो क्वेश्चन है ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली हम पी वाई क्यू से कर सकते थे अब इसमें हाई क्लाउड्स की बात की गई है हाई क्लाउड्स कौन से होते हैं सीरस क्लाउड्स अब अगर आपने uh, जियो इंजीनियरिंग में सीरस क्लाउड थिनिंग पढ़ा है डैट इज देयर टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग अब वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिड्यूस करता है क्योंकि जो सीरस क्लाउड्स होते हैं ना ये ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जॉर्ब करते हैं तो अगर हम इनको थिन कर देंगे या इनको ख़त्म कर देंगे तो क्लाउड्स ही नहीं बचेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो जाए ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे क्या है हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट नहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते वो ऑब्जॉर्ब करते हैं और वो सर्फेस ऑफ द अर्थ को वार्म करते हैं सबसे सिमिलरली जो लो क्लाउड्स हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं ठीक है ये हमने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट में सीरस क्लाउड थिनिंग में इसका आंसर तो दोनों में दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं तो डी है अब ये जो सीरस क्लाउड थिनिंग है ना ये भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा था वहाँ पे सीरस क्लाउड थिनिंग और सेल्फेट एरोसोल इंजेक्शन के बारे में पूछा गया था वो किस लिए यूज़ होते हैं सो दैट इज टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग और वो हमारे पास जो सीरस क्लाउड थिनिंग का कॉन्सेप्ट है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे प्रोवाइडेड आपको पता है सीरियस क्लाउड्स हाई होते हाई क्लाउड्स को कहा जाता है जो कि बहुत ही बेसिक है और सी सी का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको उसकी क्लैरिटी थी ठीक है सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी मच डूएबल प्रोवाइडेड यू हैड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है दिस वॉज ऑल्सो कवर्ड एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल इन दिस वीडियो विच वॉज द मैराथन सेशन ऑन पी वाई क्यूज़ ठीक है सो दैट इज़ वाई एम सेंग कि तीन क्वेश्चन अगर आप पी वाई क्यूज में से कर सकते हो आउट ऑफ ट्वेंटी और सही कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो तो मेरे लिए पी वाई क्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो डायरेक्ट है जो इनडायरेक्ट वो आपको चीज़ें सिखाता है वो तो वी कांट इवन क्वान्टिफाई दैट राइट देन क्वेश्चन कवर्ड जो हमारे पेड कोर्सेज या यूट्यूब वीडियोज़ में से जो हमने uh, जो इज़ीली कवर हो सकते थे देन आई हैव डिस्कस दोस जैसे एसिड रेन देखो एसिड रेन हम बहुत जगह पढ़ते हैं इनफैक्ट हर एक बच्चे को एसिड रेन के बारे में पता होता है कि वो यू नो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वाटर के साथ मिक्स होकर और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में कवर हो जाता है सो दिस वी हैव कवर्ड इन आर प्रीमिक्स ऑल्सो इन आर पेड इनिशिएटिव्स देन ग्रीन वॉशिंग देखो ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब कंपनीज़ बताएं कि वो बहुत इको फ्रेंडली हैं उनके प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंटली साउंड है जबकि नहीं होते फॉल्स इंप्रेशन देती हैं कंपनीज़ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेट बॉटल्स उनके ऊपर लिख दिया जाता है रीसाइकलेबल ठीक है बट कौन रिसाइकल करता है उनको है ना सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो बनाती हैं वो पेट बॉटल्स ही बनाती हैं सो दिस इज़ ए इग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वॉशिंग

फॉलो वन सोर्स मे बी जो लास्ट के कुछ महीने हो जाते हैं तब आप किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स ले सकते हैं या आप साथ, -साथ एक बेस बनाइए फाउंडेशन एक करंट uh, अफेयर्स को बनाइए चाहे अपने करंट अफेयर्स आप निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर से ठीक है उसको फाउंडेशन बनाइए उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करते रहिए लेकिन एक ही सोर्स फॉलो कीजिए अगर आप यू नो किसी इंस्टीट्यूट को करें तो आई वुड अगेन से एक ही इंस्टीट्यूट फॉलो कीजिए अगर आप अपने बना रहे हैं तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं ठीक है फॉलो द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कवर्ड ठीक है सो एंड डाउन टू अर्थ भी जरूर फॉलो कीजिए अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं क्योंकि डाउन टू अर्थ में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ग्रीन वॉशिंग ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें अ, कौन सा क्रॉप मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स है देखो राइस मीथेन का सोर्स है ये हम हर जगह पढ़ते हैं जब हम ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ते हैं उसमें मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कि जो राइस है उसका सोर्स है ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड तो डिफरेंट जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा बट राइस में भी होगा क्योंकि दोनों पूछा गया है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तो हमारे पास एग्जांपल राइस आता है आंसर राइस आता है ये भी हमने अपने प्रीमिक्स में कवर किया हुआ है इनफैक्ट जो इंडिया की बर्ड रिपोर्ट थी उसमें भी हमने ये पूरा कवर किया था कि मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ मेन सोर्स और इसमें भी आ, हमारे पास आ, जो फर्ट जो हमारे पास लाइफ स्टॉक रिंग भी काफ़ी ज़्यादा मीथेन को प्रोड्यूस करती है ऑल ऑफ दैट वी हैव कवर्ड इनफैक्ट हमारे पेड कोर्सेस से ये मैंने पी का स्क्रीन शॉट है क्योंकि हम लेक्चर्स का स्क्रीन नहीं ले सकते दैट इज़ नॉट अलाउड ठीक है सो मे बी आई कुड हैव टेकन अलग से उनका स्क्रीन शॉट बट आई हैव टेकन द पी डी एफ ठीक है फॉर योर रेफरेंस तो यहाँ पे भी हमने मीथेन में देखा है पैडी uh, मीथेन का सोर्स है और जो फर्टिलाइज सॉइल है उससे N2O मिलता है जब भी हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो N2 निकलता ही निकलता है ठीक है तो ये तो बहुत ही बेसिक है देन मियावा की मेथड अर्बन एरियाज़ में मिनी फॉरेस्ट्स ये भी मियावा की मेथड भी बहुत जगह आपने पढ़ा होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा हमने भी अपने पेट इनिशिएटिव्स में फ्री इनिशिएटिव में इनफैक्ट जो रिविजन सीरीज़ हमने अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की थी उसका पार्ट वन में इको सिस्टम्स में मियावा की मेथड हैज़ बीन डिस्कस्ड सो मिनी फॉरेस्ट अर्बन एरियाज़ में क्रिएट होते हैं देखो अर्बन एरियाज़ को ना हीट आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट uh, एरिया बहुत होता है तो इनका टेम्परेचर दो डिग्री ज़्यादा होता है देन द सराउंडिंग रूरल एरियाज ऊपर से ए सी की हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर मिनी फॉरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं थ्रू अ मेथड नोन एस मियावा की मेथड बिकॉज ये बहुत जल्दी uh, जो है फॉरेस्ट uh, बन जाते हैं इस मेथड को फॉलो करके सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़ ये लाइक आई सेट हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया है अपने uh, जो प्रिविजन uh, सीरीज है उसमें कवर किया है तो मल्टीपल जगहों पे ये कवर किया है सिमिलरली बायो टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन था रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स ये भी हम पेड और फ्री uh, दोनों में कवर किया है दिस इज़ द स्क्रीन शॉट फ्रॉम आर पेड पी कोर्स ठीक है वहाँ पे हमने कवर किया हुआ है बायो रॉक में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिनरल्स को एक्यूमिलेट करते हैं एंड ट्राई टू रीस्टोर दी कोरल रीव्स ठीक है सो दैट इज़ वॉट बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज़ और इनफैक्ट रॉक स्ट्रक्चर ना यहाँ पे गल्फ ऑफ कच में इस्टेब्लिश uh, किया जा रहा uh, था इन मीथापुर कोस्ट सो दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ ठीक है एनी वेज रॉक टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कवर करते ही करते हैं देन वेटलैंड्स देखो वेटलैंड्स में मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रामसर साइट्स हैं ठीक है जो टाइगर रिजर्व्स हैं और जो बायोस्वे रिज़र्व्स हैं इनका मैप अपने हाथ से बनाओ और जहाँ पे आप पढ़ते हो अपने रूम में लगा लो और हो सके तो दो तीन बार बनाओ क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता ही आता है जो रामसर साइट्स तो न्यूज़ में रहते हैं ठीक है उनके बारे में आप डिटेल पढ़ लो और अगर आप किसी के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना चाहते तो स्टेट्स वाला तो ज़रूर कर लो ठीक है हर बार क्वेश्चन आता है किसी ना किसी फॉर्म में वेटलैंड्स तो आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है so सो इसका आंसर ओनली टू पेयर है अब रे जो वेटलैंड्स है ना इनको किडनीज भी कहा जाता है बिकॉज ये फिल्टरेशन में हेल्प करती हैं ठीक है जैसे किडनीज हमारी बॉडी से फिल्टर आउट करती हैं यू नो जो केमिकल्स uh, हैं और उन सबको सिमिलरली जो वेटलैंड्स हैं ये भी फिल्ट्रेशन कैरी आउट करते हैं फॉर दी इकोसिस्टम्स ठीक है अभी क्यों किडनीज कहा जाता है वो पूछा गया था या बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन करता है के दे आर नोनेस किडनीस को तो वो थर्ड ही है हमारे पास बाकी तीनों ऑप्शनस तो नहीं बनती ठीक है अब जैसे बारिश होती है तो बारिश सॉइल पे गिरती है तो बारिश के साथ साथ जो सॉइल के सेडिमेंट्स हैं वो बारिश का पानी लेके जाता रहता है ठीक है अब वो बारिश का पानी इवेंचुअली स्ट्रीम्स में रिवर्स में या ओशंस में एंड करेगा है ना तो क्या होगा कि अगर तो पानी तेज़ है बहाव तो तो बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाएंगे अगर बेयर जगह है वहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं है कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं तो भी बहुत ज़्यादा सॉइल जाएगा सेडिमेंट्स जाएंगे और अगर स्लो मूविंग है ना तो भी बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स जाएंगे अब ये सेडिमेंट्स रिवर्स में जाएंगे या आप लगा लीजिए स्ट्रीम्स में जाएंगे तो वो भर देंगे ना उसको रिवर को से रिवर को या स्ट्रीम को या ओशन को भर देंगे सेडिमेंट से तो इसको रोकने के लिए वी है वेटलैंड्स वेटलैंड्स क्या है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है वो सेडिमेंट्स को सेट होने में ठीक है तो सेडिमेंटेशन बैलेंस बना रहता है सोइल स्टेबलाइजेशन रहती है सो दैट इज हाउ दे आर किडनीज कि वो सेडिमेंट्स को फिल्टर आउट कर देते हैं पहले ही बिफोर दे रीच यू नो द स्ट्रीम्स और द रिवर्स और द ओशन ठीक है सो दैट इज हाउ दे फंक्शन एज द किडनीज ऑफ द इको ठीक है सो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था दैन डब्ल्यू एच ओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस अब ये जो डब्ल्यू एच ओ ने रिवाइज़ की थी ये न्यूज़ में था तो हमारे जो न्यूज़ के इनिशिएटिव है डी एन डी उसमें हमने ये कवर किया था देन हाइएस्ट लेवल ऑफ ओजोन दे अकर ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर इंक्लीमेंट होता है ठंडा अगर आपने ओजोन के बारे में पढ़ा है ट्रोफोस्वेरिक ओजोन के बारे में पढ़ा है जो कि हम डिटेल में अपने पेड लेक्चर्स में भी कवर करते हैं तो भी आपको पता है कि ये सनी जब वेदर होता है तो ओजोन ज़्यादा बनती है ट्रोफोस्वेरिक ओजोन ज़्यादा बनती है तो ओजोन पोल्यूशन ऑब्वियसली इसके दौरान तो नहीं होगी है ना तो जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई उसके बाद पी एम देखो पी एम को हम कोर्स पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और ये लंग्स में चला जाता है लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करता ये लंग बैरियर को ब्रीच नहीं करता अब कोई चीज लंग्स में चली गई लेकिन वो लंग बैरियर को ब्रीच करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं गई ठीक है दैट इज वॉट पीएम इज पीएम टू पॉइंट फाइव इसलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि पहले वो लंग्स में जाएगा फिर वो लंग बैरियर को ब्रीच करेगा और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा सो दैट इज पीएम टू और फाइन पार्टिकुलेट मैटर ठीक है सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग ओजोन या कोई भी पॉल्यूडन एस्थमा को तो ट्रिगर करेगा ही करेगा कोई भी चीज आप इनहेल करोगे ठीक है वो लंग्स में जाएगी तो एस्थमा तो ट्रिगर होगा ही होगा ठीक है तो ये तो थोड़ा लॉजिकल ही था बट अगेन दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन आर डी एन डी एंड इन आर पेड इनिशिएटिव दिस इज अ पी डी एफ फ्रॉम द पेड इनिशिएटिव देन सोलर अब इसमें भी ना टू ऑनली आंसर है देखो इसमें कैच क्या है गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क लार्जेस्ट बनने की बात हो रही है लार्जेस्ट है राजस्थान में भाडला ठीक है तो इसलिए गलत हो जाता है केरला फुली सोला पार्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड गोवा हैज़ दी लार्जेस्ट फ्लोटिंग ये भी गोवा के पास नहीं है ठीक है तेलंगाना में है तो इसलिए हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास आंसर टू ओनली ही आ जाता है ठीक है उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं थोड़ा डिफिकल्ट मैं मानती हूँ क्लाइमेट ग्रुप वाला देखो क्लाइमेट ग्रुप एक एनजीओ है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये लार्ज नेटवर्क्स को बनाता है और रन करता है एग्जाम्पल इसका ई पी हंड्रेड है एंड एग्ज़ाम्पल इसका ई वी हंड्रेड भी है ठीक है अब कई लोग ना अंडर टू कोलेशन को भी बोल रहे हैं कि वो भी पी वाई क्यों था अंडर टू कोलेशन तो एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक ग्रुप है उसके बारे में पूछा गया था उसके अलावा अंडर टू कोलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा गया था तो अगर आप बता मतलब क्वेश्चन नहीं उसमें डिस्कस होता तो अगर आप अंडर टू कोलेशन के बारे में पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ठीक है सो क्लाइमेट ग्रुप इज़ दी सेक्रेटेरिएट टू दी अंडर टू वॉर्डन तो इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है सम इंडियन कंपनीज़ आर मेंबर्स ऑफ ई पी हंड्रेड ये सही है और ई पी हंड्रेड बेसिकली एनर्जी एफिशियसी में इनोवेशन लाने की बात करता है अब हमने जो कवर किया हुआ था ना हमने ई वी हंड्रेड कवर किया हुआ था वो भी क्लाइमेट ग्रुप का ही पार्ट है और वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर है सो वी हैव कवर्ड दैट वी हैवन कवर्ड दिस ठीक है सो कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मिस होंगी और सभी से होंगी बट आई एम नॉट कि हमने ये कवर किया हम जस्ट कि एक पार्ट इसका हमने कवर किया हुआ था बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव हो तब भी आपसे चीज़ें कुछ मिस होंगी क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ कवर कर पाओ ठीक है देन गुच्ची देखो गुच्ची व्यूज़ में था क्योंकि इसको जी टैग मिला था ठीक है अब इसमें आ, फंगस है हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में होता है जेके अगर सीख कर रहा है तो हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में आप इसको मान सकते हो और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो नहीं होता क्योंकि अगेन लाइक ऐसे जे एंड के इसका जो जीआई टैग है वो सीख कर रहा था ठीक है सो तो ये भी हमने प्रीमिक्स में कवर किया था देन एस देखो एस जो है ये एग्रीकल्चर का पार्ट है ये आपने जोग्राफी में भी डिटेल में पेड इनिशिएटिव में कवर किया हुआ है ये हमने रिविजन सीरीज में भी कवर किया था जोग्राफी में मैम ने दो में तो, तो लाइका सेट की जनवरी ऑनवर्ड्स ठीक है आप करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए तो जो Uh, जैसे आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो आपके लिए ये साल के रिविजन सीरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे हम ट्रेडिशनल जो राइस को कल्टिवेट करते हैं उसमें हम फ्लडिंग कर देते हैं है, है ना पानी फ्लड कर देते हैं इसमें ऑल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड्स होते हैं तो उससे क्या होता है कि मीथेन प्रोडक्शन कैसे कम होती है क्योंकि जो खड़ा पानी है उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं अगर आप खड़े पानी को कम कर दोगे ड्राई पीरियड्स लेके आओगे तो ऑब्वियसली मिथेनोजेनिक मिथानो, बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि वो एनो अनुरु, एनोरोबिक होते हैं और उन्हें खड़ा पानी चाहिए होता है तो मीथेन प्रोडक्शन कम हो गई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसलिए कम हो गई क्योंकि इरीगेटेड वाटर इतना नहीं चाहिए होता बहुत ही कम रह जाता है तो आपको पंपिंग की ज़रूरत नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गई और एस आर आई में ना एक चीज़ होती है कि सीट्स ना हम खुली खुली लगाते हैं ठीक है देन ऑल्सो जो ईल्ड है वो बढ़ती है ठीक है दैट इज़ वॉट एस एस आर आइज़ और अभी तो सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन लेकर आ रहे हैं कि और जगहों पे भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं और ये भी ना न्यूज़ में रहता ही रहता है स्पेशली जो पैडी कल्टिवेशन जैसे अभी पैडी कल्टिवेशन का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो पंजाब में बात हो रही है कि आप एस आर आई से करो uh, कल्टिवेशन ताकि पानी कम कंज्यूम करो क्योंकि ऑलरेडी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हो गया है और अस्सी परसेंट जो इंडिया का इरीगेशन वाटर है वो राइस ही कंज्यूम कर लेता है बहुत ज़्यादा पानी लेता है तो ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग में क्या है कि राइस की में जो पानी पानी की कंजम्पशन है जो इरीगेटेड वाटर है उसकी हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ठीक है उसके बाद लॉजिक बेस्ड है अब देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग अब नाइट्रोजन फिक्सिंग हम डिटेल में करते हैं ना अपने पेड इनिशिएटिव में नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं इसमें ठीक है कौन से लेगुमिनस प्लांट्स हैं ऑल ऑफ दैट वी कवर ठीक है अब अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो चिकपीस सबको पता है लेगुमिनियस प्लांट है तो थ्री है और स्पिनिच फॉर श्योर आपको पता है अगर आपने ये पर्सलेन क्लोवर अमरन का नाम नहीं भी पड़ा हुआ चिक्पी सुना है आपने और स्पिनिच आपको पता है नहीं है है ना तो थ्री है और सिक्स नहीं है ये कौन सी ऑप्शन है ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आंसर आ गया बाकी क्लोवर और अमरंथ भी ना सॉरी uh, क्लोवर और अल्फा अल्फा भी बहुत कॉमन है अगर आपने कभी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के नाम पढ़े हो ना तो उनमें ये फैबेसी फैमिली है इनके नाम आते ही आते हैं हमेशा ठीक है अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है अब इसमें भी ना आप क्वेश्चन कर सकते होता है लेकिन अगर आपने वर्मिन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना तो आप सोच सकते हो कि नहीं है ठीक है क्योंकि वर्मिन को तो कोई भी मार देता है, है ना और वर्मिन वर्मिन इज़ ऑल्सो कैटेगरी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तो उस तरह से हम इसको गलत कर सकते हैं और ऐप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं कि आप एप्रीहेंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है लम्बा जो चीफ वाइल्ड uh, uh, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो उनकी परमिशन चाहिए होती है एंड इट इज़ अ बिग टीडियस प्रोसेस प्रोसेस ये नहीं कि आप एप्रीहेंड करोगे और आप मार दोगे ठीक है तो थर्ड तो बिल्कुल ही अगर आपने कुछ अब आपको अगेन ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा ऐसे यहाँ पर लॉजिक ही लगेगा और हो सकता है आप वन एंड टू भी मार्क करके आए हों बिकॉज अगेन फर्स्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है देन ऑल्सो आई थिंक हो सकते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन होते ही होते हैं जो गलत होते हैं सो डोंट वरी बट अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा अगर हम लॉजिक अप्लाई करें तो शायद ऐसे क्वेश्चन हम सही भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद पेट के ऊपर क्वेश्चन है पेट बॉटल्स के ऊपर अब देखो यहां पर ना फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ना uh, मैच कर रही है दो ही आपको बताना है सही कौन सी है कि इट कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू री री इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टीज इट कैन बी रिसाइकल्ड इन टू अदर प्रोडक्ट्स और इनफैक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है कि पेट से टेक्सटाइल्स वगैरह भी बनते हैं तो भी आप इसको मार्क कर सकते हो है ना अब अल्कोहलिक बेवरेज नहीं uh, स्टोर करते ठीक है uh, आपने कोई देखी है पेट बॉटल जिसमें अल्कोहलिक बेवरेज uh, स्टोर हो या कॉमन हो तो आई थिंक इतना दिमाग में नहीं आता तो आप उससे भी इसको अप्लाई लॉजिक uh, से इसको सॉल्व कर सकते हो बट अगेन आई वुड से कि इसमें ना चांसेस होते हैं कि आंसर गलत भी हो जाए बट अगेन हम तो अपने चांसेस uh, को इंक्रीज़ करते हैं तो थोड़े से आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने ही होते हैं इन केस यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे जैसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं ठीक है इट इज़ अ डेटा बेस क्रिएटेड बाई कॉलेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गनाइजेशन अब पढ़ेंगे जो नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम्स देंगे वो पढ़ेंगे इसको डिटेल में ठीक है सो ये बेसिकली क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की कोलाब्रेशन है और ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि कितना एक्शन हुआ है टू अचीव दी पेरिस अग्रीमेंट और कितना चाहिए ठीक है उसके बाद सर्टन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फनजाए देखो फनजाई और एंट की जो म्यूचुअलिस्टिक uh, एसोसिएशन है वो काफ़ी फेमस है लेकिन हमने नहीं पढ़ाई थी ना ही हमने पढ़ाई थी और हो सकता है आपने भी ना पढ़ी हो तो जो एंट है इसका सही आंसर है एंट फंगस म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बॉइस जो कि एंट और कुछ एंट की स्पीशीज और फंगल की स्पीशीज में देखी जाती है एंड एक्टिवली कल कल्टिवेट करती है फंगस को जैसे ह्यूमन्स फार्मे क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं दैट इज़ वाइट इज नोन एज ए कल्टिवेटर ऑफ फनजा ठीक है और इसमें ना म्यूचुअलिस्टिक ऐसे है जो फनजाए है ना वो 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 करवाती है एंट को न्यूट्रियस निकाल के एंट को देती है और एंट एक तरह से डिपेंड करती है फनजाई को उसको नर्चर करती है तो एक न्यूचलिस्टिक एसोसिएशन है एंट और फंगस के बीच में एंड दैट इज़ वाई जो एंड्स हैं वो एक्टिवली कल्टिवेट करती हैं फंगस को एंड दे आर नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई ठीक है सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रिलम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन्वायरमेंट पोर्शन अगेन आई वुड से इट वॉज अ मिक्सड बैक कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और उनको छोड़ना ही आई थिंक वॉज रिक्वायर्ड ठीक है और बट एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन में लॉजिक बेस्ड होते हैं अगर तो आपका जो स्कोर है मतलब तो अगर आपने नंबर ऑफ जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो बहुत ही कम है तो आप इन क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो द पॉइंट इज़ दैट अगर तो आपने अच्छे खा से नंबर अटैम्प्ट कर दिया है एंड यूर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर दिया है यू हैव अटैम्प्टे लाइक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैन तो यू कैन स्किप दीज क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है डिफिकल्ट तो स्किप करने ही होते हैं और वो भी आप स्किप कर सकते हैं एंड हर साल कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे और कई साल तो ऐसे होते हैं जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट एंड द इजियर वानसर लिस बट दैट इज़ हाउ यू पी एस सी वर्कस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अनप्रडिक्टेबल द एग्जाम इज़ अनप्रडिक्टेबल बट हम सिर्फ बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं अपना हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट दे सकते हैं उसे भी ज़्यादा दे सकते हैं ताकि हमारे चांसेज इंक्रीज़ हो प्रिलिम्स को क्लियर करने के राइट थैंक यू सो मच